चार धाम यात्रा पर जाने वाले भक्तों का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रद्धालुओं को अभी और इंतजार करना होगा। दरअसल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कई जगहों से भक्तों के घंटों फंसे होने की लगातार खबरें आ रही हैं। इसे देखते हुए हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश भी जारी किए थे, जिसके तहत मंदिर के 50 मीटर के भीतर ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर के रील्स बनाने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही 2 दिनों के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी रोक दी गई थी। उसके बावजूद भी भीड़ कम नहीं हुई। इसे देखते हुए सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख पर लगी रोक को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ताजा हालात को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। 20 मई को चारधाम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश दिए। इसके साथ ही यात्रियों की बढ़ती संख्या को कंट्रोल करने के लिए टूर ऑपरेटर के लिए नई एडवाइजरी जारी करने को भी कहा गया है। सीएम धामी ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने यात्रियों से रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई तारीख पर ही दर्शन करने और मेडिकल हिस्ट्री नहीं छुपाने का अनुरोध किया, ताकि यात्रा में कोई बाधा न पहुंचे। दरअसल कई श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई तारीख से पहले ही चारधाम यात्रा पर पहुंच गए हैं, जिससे तीर्थयात्रियों की संख्या बेहताशा बढ़ गई है। इसे रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर RTO और जिला प्रशासन की टीमों को सख्ती से चेकिंग करने को कहा गया है। बता दें कि चारधाम यात्रा में पहुंच रही बंपर भीड़ के चलते यात्रा के स्लॉट फुल हो गए हैं, जिसके बाद पर्यटन विभाग की ओर से हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद कर दिए गए। रजिस्ट्रेशन बंद होने से काउंटर पर सन्नाटा पसरा है। वहीं दूसरे राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। कुछ यात्री पिछले 3 दिनों से रजिस्ट्रेशन की आस में भटक रहे हैं, तो कुछ होटल और धर्मशाला में रहकर इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ श्रद्धालु बिना चारधाम यात्रा के ही वापस लौटने को मजबूर हैं। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर लगाए गए। फिलहाल पर्यटन विभाग की ओर से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। पहले 15 और 16 मई के लिए रजिस्ट्रेशन बंद किए गए थे, फिर दूसरे आदेशों में 19 मई तक के लिए नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई और अब 31 मई तक रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में 20 दिनों में करीब 7 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं, जबकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में यात्रियों की संख्या करीब 30 लाख के पार हो चुकी है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन। स्तुति।